संस्था है, प्रशासन गांवों के संघ, प्रशासन शहरों के संघ। शिविर का आगाज किया था 2 अक्टूबर से। तो बीच में कहीं कोरोना आया तो बंद हो गया, कहीं बीच में बंटवारी हड़ताल पर थे, फिर वापस इनकी मांगों को पूरा किया, वापस कैंप चालू हुए। लेकिन इस कैंप में कई पंचायतों में बट्टे मिल गए, लेकिन जो सुरपुर पंचायत की बात तो मुद्दा उठाया वहाँ से, सुरपुर पंचायत ने कल खोलो कैंप वापस रखा, क्योंकि 21 तारीख को SDM ने कहा कि MLA साहब नहीं आए इसलिए आपको पट्टा नहीं मिला। मैं जयपुर था तो मैंने कहा ठीक है मैं आके कर दूंगा साइन, लेकिन गांव वालों की सबकी समस्या थी कि MLA साहब आप नहीं आए इसलिए हमको पट्टा नहीं मिला। कल फॉलोअप शिविर रखा था सुरपुर ग्राम पंचायत। फॉलोअप शिविर में ये था कि इनके जो भी काम बकाया हो, जो भी गरीब को कोई फायदा नहीं मिला हो, भले पट्टा हो, दूसरा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, वो उसको हाथों देना था। तो फॉलोअप शिविर में लोगों ने फोन किया कि प्रशासन पूरा आ गया और आप अकेले बाकी हो, आप आ जाओ। जब मैं और प्रधानमंत्री दोनों वहाँ जाते हैं तो मैंने कहा भाई लाओ भी पट्टे बांटने हैं इनको आज, तो फॉर्म का है। तो इस दिन कहा वो तो उद्घोषणा करनी पड़ेगी, अभी कोई पट्टे हट्टे नहीं करेगी। तो मैं कहीं मेरे निजी काम से वहाँ चला गया, वापस आया, इसके मेरे लोगों ने ताला जड़ दिया था। तो मुझे भी कहा कि आप भी पट्टा दे के जाओ, मुझे भी बिठा दिया, तो मैं भी वहाँ धरने पर लोगों के साथ रहा। तो सरकार की मंशा है आम व्यक्ति को, आम गरीब को, जो बरसों से 150 साल से बैठे हुए हैं अब जमीन पर, मकान बनाकर खेती कर, तो उसका पट्टा मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, सरकार की मंशा है। लेकिन जो अधिकारी हैं, सरकार की मंशा, सरकार की जो योजना है उसको फेल करना चाहते हैं। एक बार इनको कहा आप शाम तक बैठो मैं दे देता हूँ, इन्होंने कहा हम कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, तो SDM ने कहा नहीं नहीं मैं साइन कर दूंगा। इतने में सबने साइन किए, SDM ने मना कर दिया मैं साइन नहीं करूँगा। जब पटवारी मौके पर चला गया है, गिरदावर चला गया है, सब कुछ हो गया है, फिर भी SDM ने मना किया। और आधी रात को ADM खुद जाके थाने में मुकदमा करता है 70 MLA पर और 60 अन्य लोग। मैं मुकदमे से डरने वाला नहीं हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा करना हो तो कर लें। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, प्रशासन से भी मांग करता हूँ, इन 60 लोगों का जो बेचारे गरीब हैं, जो वाजिब हैं, इनके पट्टे की मांग कर रहे थे, उनका मुकदमे में इनका 60 जनों को नाम लिया है। इन 60 जनों को तो पहले 60 जनों का नाम ले, तो मेरे खिलाफ मुकदमा करना हो तो कर दे, जितने धारा लगाने लगा दे। लेकिन आज जिस तरह से आदिवासी लोगों को परेशान किया जा रहा है, उस तहसीलदार को प्रेशर किया कलेक्टर ने, तेरे को सस्पेंड कर दूंगी, अभी कभी रिपोर्ट दर्ज करा उस, क्योंकि वो आदिवासी है तो उसको घिरना चाह रहे हैं, काफी डुंगरी में उसको टारगेट किया। SP को पोस्टिंग मिल गई, जो कलेक्टर था उसको पोस्टिंग मिल गई, लेकिन जो आदिवासी थानेदार था काफी डुंगरी में उसको भी आज तक थाना नहीं दिया। तो आदिवासियों के साथ अभी तक अत्याचार हो रहा है, मैं इस अत्याचार के खिलाफ हूं, गरीबों की आवाज उठाऊंगा मैं। और आज मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, और ये मेरे कार्यकर्ता है, अगर मैं MLA रहते हुए मैं आज मेरी आम जनता को मैं अगर उनकी समस्या, उनकी परेशानी दूर नहीं कर सकता हूं, उनको फायदा नहीं दिला सकता हूं, मैं MLA पद से आज से इस्तीफा देता हूं। ये मैं यहां घोषणा करता हूं, MLA पद से इस्तीफा देता हूं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज जो जो काम नहीं हुए, जो जो काम नहीं हुए हैं, आज गरीब की आवाज़ उठाना गलत है, गरीब की आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ मुकदमा करोगे आप। वो जब वहां फॉलोअप शिविर सरकार के पैसे उड़ा रहे हो आप, प्रशासन पूरा हावी है और प्रशासन आदिवासियों को टारगेट कर रहा है और झूठे मुकदमों में आदिवासियों को फंसा रहा है प्रशासन। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, तत्काल कलेक्टर, तत्काल SP और ये तत्काल ADM और जो SDM, ये चारों यहाँ से तुरंत हटने चाहिए। नहीं उठे तो मैं आंदोलन करूंगा, सड़कों पर उतरूंगा, लेकिन मेरे आम आदिवासियों की जनता और 36 कौम की आवाज, इन गरीबों को, इनके गरीबों को इनका हक दिला के रहूंगा। ये बरसों से बैठे हुए हैं, क्या इनका हक मांगना, क्या इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया आपने, क्या इनका अधिकार नहीं है, क्या मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं हूँ? जब जनप्रतिनिधि की वहाँ प्रशासन नहीं सुन रहा है, जब जनप्रतिनिधि वहाँ बैठा तो जनप्रतिनिधि से प्रशासन बड़ा हो गया है। हम जनता सरकार को बनाते हैं, हम प्रशासन भी नौकर है सरकार का, मैं भी नौकर हूँ, मैं जनता का नौकर हूँ, लेकिन आज मेरी जनता के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। आज उस तहसीलदार को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी है, उसको
कलेक्टर ने कहा तेरे को चार्ज दे दूंगी, तेरे को सस्पेंड कर दूंगी। ये कुल मिला के साजिश हो रही है आदिवासियों की आवाज दबाने का, आदिवासियों को आगे नहीं आने देगा और आदिवासियों को जमीन का अधिकार नहीं देने का काम ये प्रशासन कर रहा है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूँ और जो भी मेरी प्रतिनिधि है सीएम साहब को पहुंचा दूंगा, डोटा सरजी को पहुंचा दूंगा, जिला अध्यक्ष को पहुंचा दूंगा, जो संगठन के जो भी है उसको पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं एमएलए के पद पे रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरे गरीब की आवाज मैं आज भी उठाता था, आगे भी उठाता था और उठाता रहूंगा। और इनके हक के लिए मुझे जेल में जाना पड़े, मेरे लिए कितनी भी धारा तुम लगा दो, लेकिन मुझे तुम रोक नहीं सकते हो। इन अधिकारियों, इन गरीबों को इनका अधिकार दिला के रहूंगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश जी आप संघर्ष